ये लेने के लिए ताकि साड़ी वाड़े। तू क्या मेरी शादी की प्लानिंग कर रही है क्या? नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज, मैं आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़, जो मैंने Q&A का कम्युनिटी पोस्ट डाला है, आप उस पर जाके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। Q&A वीडियो आपको मिल जाएगी कल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, पता नहीं ये सीज़न की वजह से हो रहा है या मुझे लगता है बहुत सारी गर्ल्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि जिन्होंने भी पियर्सिंग करा है उनका पियर्सिंग बुझ रहा है, मतलब बुझ गया है। मेरा तो बुझ गया है और बीच में इसमें पूरा पस भर गया था, तो इसके लिए मैंने इसको निकाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तो ये देखो, ये साइड वाला जो मेरा ये है पियर्सिंग, वो बुझ गया है। और मम्मी ने मेरे लिए बहुत ही क्यूट इयररिंग्स लेकर आए थे गोल्ड के, तो मुझे वो पहनना था, लेकिन मैंने मम्मी को बताया कि ये बुझ गया था। मम्मी ने बोले फटफट हम लोग सोनार के पास जाते हैं। और यहाँ पर हमारी नट्टो खाला जी अभी सोकर उठे हैं। तो गाइज, तो इसको मुझे ठीक करवाना है और इसमें मुझे इयररिंग डालना है। तो अभी हमें जा रहे हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं सोनार के पास। और मुझे डर लग रहा है कि तभी तो मैंने वहाँ पे कराया था मशीन से, अभी शायद मुझे लगता है बुझ गया तो तार से होगा। सो क्या होगा क्या नहीं आपको तो आगे ही बताऊंगी। सो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं सोनार की दुकान पर। और मम्मी और हाँ, मैंने तो ये चीज़ रियलाइज ही नहीं करी कि मम्मी फर्स्ट टाइम मेरे साथ बाइक पर बैठे। गाइज, मुझे इतना डर लग रहा था मम्मी को लेके चलाने के लिए। और वहाँ पे मेरी बाइक पार्क है, देखो रेड आपको दिख रही है। इतना डर लगा था, ऊपर से मम्मी कंधे पे हाथ से दबा रहे जोर का, डर रहे मम्मी भी। लेकिन सक्सेसफुली पहुँच गए हम लोग डेस्टिनेशन पे, तो चलो चलते हैं अंदर। सो गाइज, ये है मेरे इयररिंग्स जो मम्मी ने लेकर आए हैं मेरे लिए। मम्मी हाथ हटा जरा, ये देखो, ये छोटे से क्यूट ऊपर पहनने के लिए और ये नीचे, ये लो। ये ना मेरा होल बुझ गया है ये साइड का, कर सकते और यहाँ पे काकी नाइटी में का है, काकी तुम्हें नाइटी में का ले। सो गाइस, मेरा ये बुझ गया है। तो या तो दो ऑप्शन है, या तो तार से वापस पियर्सिंग कराना पड़ेगा, या तो जो नोज रिंग होती है मतलब वन डायमंड वाली, वो पहनना पड़ेगा। तो लेट्स सी मम्मी क्या करने का है, क्या करूँ तू बोल। तो क्या डायमंड से हो जाएगा, सिंगल डायमंड से करना, लेकिन फिर वो बाद में पर्स नहीं आ जाएगा। पर्स डिपेंड करता है, बहुत सी बार क्या रहता है, माइंड भी चला सा होते हैं, ये वो ऐसा है कि मेरा बड़ा पसंद है। हाँ, नॉर्मली होता नहीं है बच्चा कुछ। अच्छा, क्योंकि मैंने ना ये उससे करवाई थी, वैसे मशीन आती है ना ऐसे, हाँ गनशॉट नहीं, एक और होती है ना वाइट कलर की, ऐसी छोटी सी ज़्यादा नीडल रहती है बस, वो उन लोग डायरेक्ट इयररिंग्स पहना देते हैं, तो वो किया था। तो शायद वेदर के वजह से हो गया, वो भी गनशॉट से किया ना? दोनों ये नहीं, ये ऊपर वाला। हाँ ठीक है, तो तार लगा लेती हूँ, तो एक काम करती हूँ अभी दोनों कान में, फिर वो क्या थोड़ा मूव करते रहूंगी तो फिर बाद में वो फील हो जाएगा। सो गाइस, वापस ईयर पियर्सिंग करानी पड़ रही है। सो गाइस अभी पियर्सिंग कराना पड़ रहा है मुझे वापस से, जस्ट बिकॉज मुझे पर्स हो गया था तो मैं पहन रही थी, बिकॉज मुझे बहुत पेन हो रहा था और अभी मुझे डर लग रहा है। एसी ऑन करा, एसी ऑन करा। हाँ ये एक पे, लेकिन इसमें भी पिना दो, ये ऑलरेडी है वो, इसका टेंशन नहीं है। तो पहले रिलैक्स वाला पेन आना कि पहले पेन वाला? नहीं पहले पेन पहले पेन भाई, कितनी एक कर ला, हाथ दुखा लगला। अरे काय काकी तुम्ही पर असं बोलायचं असतं, अरे हाताची कसरत आहे ते। बापरे
अंकल रेडी भी नहीं होने दिए, डायरेक्ट घुसा दिए कान के अंदर। रेडी होने में उनका टाइम वेस्ट होता है, वो कस्टमर और डर जाता है कि अरे मुझे होगा अभी फिर होगा ऐसा, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट तो करने बोलते वो, क्योंकि वो ही डाली थी ना इयररिंग डायरेक्ट, उससे वो हो गया था, पर्स हो गया था। तो गाइस फाइनली मेरी ईयर पियर्सिंग हो गई है, और मम्मी ने जो मेरे लिए न्यू गोल्ड की ईयर रिंग्स आई थी, ऊपर के लिए भी लाई थी और नीचे के लिए भी, बट अभी मैं 25 डेज तक ये नहीं निकाल सकती हूँ, तो मुझे यही पहन के रहना पड़ेगा तार, और इसको रोज़ मूव करना पड़ेगा। और ये दूसरी जो मम्मी ने ईयर रिंग्स लाई थी वो मैंने पहन ली हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ये गोल्ड की, मतलब बहुत क्यूट लग रही है, और ऐसे ही सेम है ऊपर की भी, लेकिन छोटे वाला और मम्मी की यहाँ पे दूसरी शॉपिंग चालू है। तो अभी हम लोग जाते हैं घर, और अंकल ने तो मुझे रेडी भी एकदम फटाक से घुसा दिया यार। तो अभी चलते हैं, अरे बाप रे, सो अभी चलो कर देते हैं पेमेंट। सो गाइज मुझे ये रिंग्स भी अच्छी लगी है, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी अच्छी लगी, और ये वाली भी बहुत अच्छी लगी, ये वाली बताओ मम्मी, ये वाली निकाल जरा, ये भी डिसेंट लग रही है, बहुत मस्त लग रही है, लूज है मेरे को यार, थोड़ी नाक भी तो चालू, क्या बोलते हो, नाक तो चालू नहीं, सॉरी नहीं, नो नेवर इन माय लाइफ गाइस। मम्मी का बस चले तो मम्मी बोलेगी मुझे टोचाने के लिए, कि हम लोग में शादी में कंपलसरी होता है ना, तेज टोचूंगी ना तार, ये उलट बड़ा पड़े ना है, मी ना है, डायरेक्ट लगना टोचना, मजा आहे ऑलरेडी वाला, नहीं फक्त तार अशी नहीं समजी समजा मत लगा देंगे ना, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, जबरदस्ती मत करो मुझे गाइस, नो गाइस नो, चमकी घालूंगी, नो सॉरी, नो मींस नो, नो मींस नो। सो गाइस मम्मी बोल रही है लेने के लिए ताकि साड़ी वाड़े, तू क्या मेरी शादी की प्लानिंग कर रही है क्या, तू भी बंद करा परत लग्न, हाँ तो परत करा ना काकांबरोबर, सो गाइस आउटफिट चेक। सो गाइस मेरी एक रिंग थी जो सिल्वर कलर की मैं पहनती हूँ, वो लूज थी, तो मम्मी को मैंने बोली कि रुक जाओ यहाँ पे धागा भी लगवा ही लेती हूँ, जब आई हूँ तो यहाँ पे वो रिंग का धागा लग रहा है, मतलब रिंग के पीछे धागा लग रहा है, ताकि वो मुझे फिट हो बराबर से। तो अभी हम लोग वो कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे घर, और गाइस मम्मी ने एंड में मुझे इतनी ज़बरदस्ती की है नोज ये करने में, इतनी ज़बरदस्ती की है, लेकिन मैंने एंड तक करने ही नहीं दी, क्योंकि हम लोग में गाइस कंपलसरी होती है कि जब शादी कराते हैं, मतलब शादी होने वाली रहती है, तो ये नोज़ पियर्सिंग होना चाहिए। तो मम्मी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे थे, मतलब बहुत, लेकिन मैं नहीं करवाई अभी, बिकॉज मुझे ऑलरेडी मैं दो बार करवा चुकी हूँ, दो बार बूझ गया, अभी मुझे नहीं कराना है, तो थोड़े ब्रेक बाद कराते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए, और मम्मी पता नहीं कहाँ गायब हो गए भाजी लेने के बहाने, और फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो अभी जो मम्मी के साथ थे वो आंटी, मैंने उनको कॉल किया, तो अभी वो आ रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो नेक्स्ट वीडियो Q&A रहेगी, आपको जो भी सवाल पूछना है आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके पूछ सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग।